तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायनेमिकल सिमिलरिटी को स्टडी किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स को देखेंगे जो डायनेमिकल सिमिलरिटी तय करने के लिए बहुत यूजफुल हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है रेनॉल्ड नंबर। तो हियर वी डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन डायमेंशनल नंबर्स यूजफुल टू इंश्योर डायनेमिकल सिमिलरिटी ऑफ एनी फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्सिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। तो इसको क्वांटिटीज के टर्म्स में अगर लिखें तो इनर्शिया फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास पे डिपेंडेंट जो फोर्स होता है वो इनर्शिया फोर्स होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। विस्कस फोर्स आप जानते हैं, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे जाइए तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज द विस्कस फोर्स ऑन यूनिट एरिया। तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल विस्कस फोर्स मिल जाएगा जो किसी सरफेस पर एक्ट करेगा। तो एरिया सपोज ए, सो दिस इज इक्वल टू मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर करेक्टरिस्टिक लेंथ एल है तो वॉल्यूम को हम एल क्यूब लिख सकते हैं डायमेंशन के टर्म्स में। और एक्सेलरेशन इज द मास, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम को हम लेंथ बाय वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम करेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज ले रहे हैं किसी भी फ्लो की, तो करेक्टरिस्टिक लेंथ है, ये करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी है। ये अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग तरह से डिसाइड होगी। पाइप फ्लो है तो वहाँ पे उसका डायमीटर लेंगे। किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है तो जो प्लेट की लेंथ है वो करेक्टरिस्टिक होगी फ्लो का, वो डिपेंड करेगा, फ्लो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से किसी स्फेयर के अराउंड फ्लो हो रहा है, स्फेरिकल पार्टिकल के अराउंड फ्लो हो रहा है तो उसका डायमीटर या उसका रेडियस करेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगा। और इसी तरीके से करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी में मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये वो होना चाहिए जो फ्लो के साथ चेंज ना हो। किसी दिए हुए फ्लो के लिए वो एक निश्चित होगा। अब ये विस्कोसिटी है, ये है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी बाय लेंथ ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा और इसमें ओके एरिया छूट गया। तो एरिया इज लेंथ स्क्वायर, ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऊपर जाएगा और ये लेंथ एल वी बाई म्यू विस्कोसिटी। इसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में भी लिख देते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट रेनॉल्ड नंबर।
दिस इज रेनॉल्ड नंबर शॉर्ट में, कभी आर कभी आर ई से ऐसे डिनोट कर देते हैं, रेनॉल्ड नंबर। यह बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर है, और ये वहाँ उस फ्लो के लिए इसका सिग्निफिकेंस है जब विस्कोसिटी का फोर्स लग रहा हो और ऐसे फोर्स को स्टडी करना है, ऐसे फ्लो को स्टडी करना है जिसमें विस्कस इफेक्ट को देखना है, फ्रिक्शनल फोर्सेस को देखना है, तो रेनॉल्ड नंबर वहां पे देखना पड़ेगा। वो ऐसे फ्लो के लिए अगर कोई मॉडल क्रिएट करना है, डायनेमिकल सिमिलरिटी क्रिएट करनी है, तो रेनॉल्ड नंबर को सेम होना जरूरी है दोनों फ्लो के लिए। तो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर, आर ई कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। और ये नंबर डायमेंशनलेस होगा, ये ध्यान रखिए। फोर्स बाय फोर्स मींस जो भी क्वांटिटी, जो भी नंबर मिलेगा वो डायमेंशन तो उसकी होगी नहीं, ये तय है। तो दिस नंबर एल वी, एल इज द करेक्टरिस्टिक लेंथ, दिस इज द करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, द रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। तो ये रेनॉल्ड नंबर है। सिग्निफिकेंस इसका हम फिर देखेंगे बाद में। रेनॉल्ड नंबर, अब आप आ जाइए एक और नंबर जो इंपॉर्टेंट है, इनर्सिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। इनर्सिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, तो इनर्सिया फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी फोर्स मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये ऑब्वियस है कि मास यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं इसको हम कैंसिल कर लेंगे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम अभी हमने बताया था, एल बाई वी लिखेंगे, और ग्रेविटी जी ऐसे ही लिखिए। मास अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा और ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल जी। दिस नंबर वी स्क्वायर बाई एल जी, इसका जो रूट होता है ये डायमेंशनलेस नंबर होगा, दिस इज डायमेंशनलेस नंबर ऑब्वियसली, फोर्स बाय फोर्स, और इसका जो रूट है इज कॉल्ड फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपन चैनल फ्लो। फ्राउड नंबर इज इंपॉर्टेंट, दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो का क्या मतलब है? अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होगा, दो प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है, तो ये जो इस तरीके के फ्लो हैं, ये फ्लो जो है चैनल फ्लो कहलाते हैं। यहाँ चैनल क्लोज्ड है, ठीक है, उसका एक निश्चित दायरा है फ्लो करने का। ओपन चैनल फ्लो में दायरा अनिश्चित होता है, यानी कि बाउंड्री आपकी इनसाइड हो सकती है, आउटसाइड बाउंड्री कोई नहीं है, तो इसको ओपन चैनल फ्लो कहा जाता है। जैसे रिवर फ्लो ओशन फ्लो है ना, समुद्र में जो पानी की लहरें हैं इस तरह का फ्लो, नदियों में जो लहरें हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर का फ्लो है, ये सब ओपन चैनल फ्लो है।
तो ऐसे फ्लो की डायनेमिकल सिमिलरिटी इंश्योर करने के लिए फ्राउड नंबर इम्पॉर्टेंट है, और वहां पर ग्रेविटी का फोर्स महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी जगहों पे जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पॉर्टेंट है, वहां पे फ्राउड नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा डायनेमिकल सिमिलरिटी इंश्योर करने के लिए। देखते हैं अगला नंबर। इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस सॉरी प्रेशर फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स सॉरी प्रेशर फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स प्रेशर फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स। तो प्रेशर का फोर्स क्या होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर न्यूट एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया इज द प्रेशर फोर्स। प्रेशर के कारण जो भी फोर्स लगेगा किसी फ्लूड सरफेस पे। इनर्शिया फोर्स तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन जानते ही हैं। तो इसको अगर हम लिखें प्रेशर एरिया एल स्क्वायर, करेक्टरिस्टिक लेंथ इज एल, एम इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये अभी हमने पहले भी बताया कि जो ये है ए इज वी बाई दिस मीन्स वी स्क्वायर बाई एल। तो हम इसको सीधे लिखते हैं वी स्क्वायर बाई एल। तो दिस इज पी प्रेशर और एल देखिए कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर। तो दिस नंबर इज कॉल्ड आयलर्स नंबर। आयलर्स नंबर ये भी नॉन डायमेंशनल नंबर है, ये सारे नॉन डायमेंशनल नंबर होंगे। इसका जो रेसिप्रोकल होता है, ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड आइलर्स नंबर। आइलर्स नंबर मीन्स आइलर्स नंबर इज रो वी स्क्वायर बाई पी। दिस इज द आइलर्स नंबर। कहीं कहीं प्रेशर को डिफरेंस ऑफ प्रेशर भी लेते हैं, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्लो जब भी होगा तो वहाँ डिफरेंस ऑफ प्रेशर तो होगा ही, और तभी फ्लो होता है। तो ऐसे ज़्यादातर लिख लेते हैं इसको, और केवल प्रेशर लिखा तो भी कोई बात नहीं, समझने की बात है आप क्या नोटेशन यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके अलावा देर आर नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल नंबर, देर आर सो मैनी नॉन डायमेंशनल नंबर, हंड्रेड ऑफ नॉन डायमेंशनल नंबर, मैक नंबर, वेबर नंबर एंड देर आर मैनी मोर। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ये नॉन डायमेंशनल नंबर है जो डायमेंटिकल सिमिलरिटी इंश्योर करने के लिए ज़रूरी हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायनेमिकल सिमिलरिटी के। तो देखिए एक सवाल हम ले रहे हैं। सवाल यह है कि वेलोसिटी ऑफ अ स्फेयर इन वाटर इज 5 फीट पर सेकेंड। सेम स्फेयर इज टेस्टेड इन विंड टनल। इफ ड्रैग फोर्स ऑन द स्फेयर इन टनल इज मेजर्ड 8
LV, what is the velocity of a sphere in tunnel? Find the drag force in water, kinematic viscosity of air and water is given here. ये सवाल है, कह रहे हैं कि एक स्फीयर है जो कि पानी में 5 फीट पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसकी टेस्टिंग जो है विंड टनल में की जा रही है। विंड टनल आपको बताया था, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैब में टनल्स होती हैं जिसमें बहुत तेज रफ्तार से एयर का फ्लो किया जाता है और उसका प्रभाव किसी बॉडी के ऊपर क्या होगा उसको स्टडी करते हैं। जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट है उसको स्टडी करना है तो बजाय कि एयरक्राफ्ट उड़ाएं उसका मॉडल फिक्स रखें और उसके ऊपर एयर फ्लो करवाएं। तो इस तरह की टेस्टिंग विंड टनल में की जाती है। तो वैसा ही केस है कि एक स्फीयर पानी में 5 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है, इसको विंड टनल में इसकी सिमिलरिटी क्रिएट की जा रही है इस फ्लो की। विंड टनल है तो वहां पे एयर फ्लो होगा, एक्चुअल जो स्फीयर है वो वाटर में फ्लो कर रहा है, वाटर में मूव कर रहा है, जबकि विंड टनल में स्फीयर को फिक्स कर दिया गया और विंड को मूव कराया जाएगा। कहते हैं कि इफ ड्रैग फोर्स ऑन द स्फीयर इन द टनल इज 8 LB, LB का मतलब आप समझते हैं, ये जो है फिट पाउंड सेकंड सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। इसे पाउंडल भी कहते हैं। तो 8 LB जो है ड्रैग फोर्स है स्फीयर पे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इंटरनल, एक तो ये पता करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इंटरनल, एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर कहते हैं कि फाइंड द ड्रैग फोर्स इन द वाटर, स्फीयर के ऊपर वाटर में कितना ड्रैग फोर्स लगेगा ये। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है हमारे पास, तो ठीक है इसको करते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें किस नंबर को सेम करना होगा इस पे आपको गौर फरमाना है। यहाँ पे जो सिमिलरिटी, डायनेमिकल सिमिलरिटी क्रिएट की जा रही है वहां पे हमें किस नंबर को सेम लेना जरूरी है ये आपको देखना होगा। तो चूंकि यहां पे ड्रैग की बात कर रहे हैं, जब स्फीयर वाटर में मूव करेगा तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे विस्कस ड्रैग ही होगा। ये ड्रैग दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं लेकिन ये विस्कस ड्रैग ही है। जब स्फीयर मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा जिसे हम ड्रैग कहते हैं, ये विस्कोसिटी के कारण क्रिएट होगा। मान लीजिए कि नॉन विस्कस फ्लूड है कोई, एयर में स्फीयर मान लीजिए मूव कराते हैं स्लोली, तो वहां पे ड्रैग ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। ठीक है, स्लोली की बात कर रहे हैं, जब धीरे धीरे मूव करेगा। तो जब यहां पे विस्कोसिटी का इफेक्ट आ गया और विस्कोसिटी दी भी हुई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो यहां पे हम रेनॉल्ड नंबर को सेम लेंगे मॉडल के केस में और स्फीयर। एक्चुअली यहां पे स्फीयर सेम ही है, उसी स्फीयर को जो वाटर में मूव कर रहा था उसी को विंड टनल में रखा गया, क्योंकि यहां कहा गया है कि सेम स्फीयर, यानी कि उसका कुछ चेंज नहीं किया गया, उसमें रेडियस वगैरह में कोई चेंज नहीं है। तो
here we have Reynolds number for model and Reynolds number for prototype must be same. हालांकि यहाँ पे मॉडल जैसी कोई चीज़ है नहीं, सेम स्फीयर है, लेकिन सिचुएशंस दोनों अलग हैं. एक्चुअल सिचुएशन को प्रोटोटाइप समझ लीजिए और विंड टनल में जो लैब में टेस्टिंग है उसको मॉडल टेस्टिंग समझ लीजिए. तो रेनॉल्ड नंबर होता है डेंसिटी ऑफ मॉडल, वेलोसिटी फॉर मॉडल. ठीक है, मॉडल के केस में वेलोसिटी क्या है, जिसकी भी वेलोसिटी ली है मॉडल खुद मूव कर रहा है तो, और सराउंडिंग फ्लूड मूव कर रहा है तो, जो भी होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी. और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक लेंथ में हम डायामीटर ले लेते हैं, डायामीटर फॉर मॉडल एंड दिस इज द विस्कोसिटी इन केस ऑफ टनल. और एक्चुअल केस में जो वाटर है उसकी डेंसिटी, तो इसको प्रोटोटाइप कह लेते हैं, वेलोसिटी फॉर प्रोटोटाइप, डायमीटर प्रोटोटाइप, विस्कोसिटी प्रोटोटाइप. तो एक चीज़ तो ये हमें मालूम है कि सेम स्फीयर है तो दोनों जगह डायमीटर सेम होगा. दूसरा, हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है तो हम इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में ही लिख लेते हैं. और हमें पता करना है कि विंड टनल में विंड की वेलोसिटी है ये. देखिए, यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें स्फीयर मूव कर रहा है वाटर के अंदर. वाटर के अंदर स्फीयर मूव कर रहा है 5 फीट पर सेकंड, और विंड टनल में स्फीयर फिक्स है और इसके ऊपर विंड जो है फेंकी जा रही है. विंड इसके ऊपर फेंकी जा रही है, एयर फेंकी जा रही है इस पर. तो इस एयर की रफ्तार पता करनी है. तो यहां पे स्फीयर की वेलोसिटी है और यहां पर विंड की वेलोसिटी है. तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों जगह स्फीयर नहीं है. ये प्रोटोटाइप के केस में जो एक्चुअल पोजीशन में जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक वेलोसिटीज हैं, और मॉडल के केस में या लैब में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी जो है. तो यहाँ करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी जो विंड की वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी और यहाँ पर स्फीयर की हो जाएगी. तो विंड टनल की वेलोसिटी हमें देखनी है, मॉडल की जो वेलोसिटी है वो विंड की वेलोसिटी है. तो दिस इज काइनेमेटिक वेलोसिटी ऑफ मॉडल इन केस ऑफ मॉडल, काइनेटिक विस्कोसिटी इन केस ऑफ प्रोटोटाइप एंड वेलोसिटी फॉर प्रोटोटाइप. तो ये हमको दिया हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर. मॉडल का मतलब लैब में जो है वो एयर है. एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 1.64 × 10⁻⁴. और प्रोटोटाइप यानी वाटर की जो विस्कोसिटी है एक्चुअल केस में वो है दिस, और जो वेलोसिटी है स्फीयर की वो है 5. तो ये आएगा, जो भी आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो. अब हम इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कोई ऐसा मुश्किल इसमें नहीं है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी
88.2 फीट पर सेकेंड। तो जो विंड की रफ्तार होगी वो 88.2 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से इस पर फेंकनी पड़ेगी, जबकि स्फीयर केवल 5 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। फर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ ये वाटर में चल रहा है और यहाँ ये एयर में चलाएगा। यहाँ यहाँ पे एयर में है, टेस्टिंग एयर में कर रहे हैं। तो सेम तरह का फोर्स मैग्नीट्यूड में क्रिएट करने के लिए रफ्तार तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी एयर की। तो ये हो गया आपका रेनॉल्ड नंबर, हमने सेम किया और उसके बाद ये विंड की वेलोसिटी, और ये हमने ये वैल्यूज रख करके इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। दूसरा जो इसका पार्ट है वो कहता है फाइंड द ड्रैग फोर्स ऑन इन द वाटर, और दिया हुआ ये है कि इफ द ड्रैग फोर्स ऑन द स्फीयर इन द टनल इज दिस। टनल में इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, घर्षण का जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी लग रहा है, वो 8 पाउंड लग रहा है। तो अगर लैब में हमको ये रिजल्ट मिलता है कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये है, तो हमको ये प्रिडिक्ट करना है तो फिर इस केस में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये काम हमें करना है। इसके लिए कैसे करेंगे, क्या करना होगा, देखिए इसमें हमें ये करना होगा कि इसको हम नाउ टू फाइंड ड्रैग फोर्स वी हैव ड्रैग कोफिशिएंट फॉर मॉडल मस्ट बी इक्वल टू ड्रैग कोफिशिएंट फॉर प्रोटोटाइप, मतलब एक्चुअल केस में ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर डायनेमिकल सिमिलरिटी है दोनों फ्लो में तो दोनों केस में ड्रैग कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, होंगे, इसलिए कि ड्रैग कोफिशिएंट जो है एक्चुअली ये रिलेटेड होता है रेनॉल्ड नंबर से, और दोनों फ्लो में सिमिलरिटी के लिए हमने रेनॉल्ड नंबर को सेम किया है। तो जब रेनॉल्ड नंबर सेम होगा तो ड्रैग कोफिशिएंट भी सेम होगा। तो ड्रैग कोफिशिएंट फॉर मॉडल इज इक्वल टू ड्रैग कोफिशिएंट फॉर प्रोटोटाइप, और ड्रैग कोफिशिएंट क्या होता है ये आपको बता देते हैं। ये होता है ड्रैग फोर्स, मॉडल के केस में है तो एम, ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 1/2 डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर एंड एरिया होता है एक्चुअली, तो यहां पे लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ जो करेक्टरिस्टिक ली वो हमने डायमीटर लिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि ड्रैग कोफिशिएंट जो होता है, ड्रैग कोफिशिएंट ये होता है ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू एरिया। तो ओपन चैनल के केस में एरिया
क्या मिलेगा, यहाँ पे एल स्क्वायर ले लेते हैं, पंचलन नहीं है सॉरी, ये स्फेयर है, तो कोई बात नहीं, स्फेयर का जो एरिया होगा वो पाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो डायमीटर के ही प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो दोनों सेम रखेंगे और जो कॉमन फैक्टर वो कैंसिल हो जाएंगे। ये आप रिजल्ट ध्यान रखिए, ड्रैग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 1/2 डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर एल करेक्टरिस्टिक लेंथ स्क्वायर, या फिर अगर लेंथ नहीं दी हुई है तो एरिया रखेंगे यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स फॉर प्रोटोटाइप 1/2 डेंसिटी फॉर प्रोटोटाइप वेलोसिटी फॉर प्रोटोटाइप एंड डायामीटर फॉर प्रोटोटाइप। तो डायामीटर तो दोनों केस में सेम है मालूम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, और डेंसिटी का तो फर्क है और वेलोसिटी का भी फर्क है, तो हमें चाहिए प्रोटोटाइप के केस में जो ड्रैग फोर्स है। तो ड्रैग फोर्स ऑन द स्फीयर इज ड्रैग फोर्स ऑन द मॉडल इनटू वी स्क्वायर वी एम स्क्वायर रो पी बाय रो एम। अब इसमें करना क्या है, ये सारी वैल्यूज रख लेनी है आपको, तो ये वैल्यूज हमको पता है, इनको हम यूज कर लेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है ड्रैग ऑन द स्फीयर इन द विंड टनल इज 8 lb, ठीक है, ये तो हो गया 8। वेलोसिटी फॉर प्रोटोटाइप ये दिया हुआ है स्फीयर की वेलोसिटी 5 है, और इसकी हमने अभी पता की 88.2 इसका स्क्वायर है। डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ एयर, तो एयर की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी यहाँ पे रखनी होगी, तो वाटर की डेंसिटी आपको बता दें फिट सेकंड और पाउंड यूनिट में वाटर की जो डेंसिटी होगी वो 62.4 पर क्यूबिक फिट, है ना, तो एक फिट जिसकी साइड हो उस वो ऐसा क्यूब लें तो उसके अंदर जो वाटर होगा उसका जो जो वेट होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो जो वाटर की डेंसिटी फिक्स है यहाँ पे वो दैट इज 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फिट, और एयर की जो डेंसिटी है वो क्यूबिक फिट ये हो, दिस किलोग्राम पर क्यूबिक फिट ये होती है। ये आपको सवाल अगर ऐसा पूछा जाएगा तो उसको बताना भी पड़ेगा, वहाँ पे आपको दिया जाएगा, मतलब एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर दिस एंड डेंसिटी एंड देयर डेंसिटीज, आर
एयर एयर के केस में है। दिस किलोग्राम तो नहीं है यहाँ पे, पाउंड LB पाउंड फिट एंड वाटर के लिए है 62.4 LB पर क्यूबिक फिट। ओके तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हम सीधे वैल्यू बता दे रहे हैं आपको सॉल्व करके क्या मिलेगी। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो 21.416 LB पाउंडल, यानी इतने किलोग्राम इतने पाउंड वेट से जो फोर्स जनरेट होगा, यानी इतने पाउंड मास का जो वेट होगा उसके बराबर जो फोर्स है, यानी इसमें ग्रेविटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स बनेगा वो फोर्स है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं LB। तो देखिए यहां पर जो फोर्स लग रहा था विंड टनल में 8 LB, डायनेमिकल सिमिलरिटी से पता चला कि इस केस में जो फोर्स लगेगा वो 21.416 LB लगेगा। तो ये यूज है इसका, ये हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा और भी सवाल हैं उनको देख लेते हैं, तो सवाल और देखते हैं। सवाल यह है कि 1:10 स्केल्ड मॉडल ऑफ ए हाइड्रोफॉयल इज टेस्टेड इन अ वाटर चैनल, द ड्रैग ऑन द मॉडल इज मेजर्ड टू बी 2 N एट ए स्पीड ऑफ 20 m/s, फाइंड द स्पीड ऑफ स्पीड एंड फोर्स ऑन द प्रोटोटाइप बाय निगलेक्टिंग विस्कस इफेक्ट। हाइड्रोफॉयल, हाइड्रोफॉयल का मतलब है, एयर फॉयल का मतलब है ऐसी फॉयल जो एयर में हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट की जो फॉयल्स हैं वो, और इसी तरीके से हाइड्रोफॉयल्स जो होती हैं वो जो शिप हैं उसमें नीचे होती हैं, ऊपर नहीं दिखती, वो नीचे होती हैं, वो हाइड्रोफॉयल्स हैं। तो इसमें हाइड्रोफॉयल से एक चीज क्लियर की वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब पानी में है, लिखा भी है। एक मॉडल जो हाइड्रोफॉयल है इसका एक मॉडल 1:10 स्केल पर, यानी कि जो एक्चुअल हाइड्रोफॉयल है उसका डायमेंशन का 10वां हिस्सा डायमेंशन है मॉडल का, उसको वाटर चैनल में टेस्ट किया जा रहा है, और ड्रैग ऑन द मॉडल इज मेजर टू बी 2 N और स्पीड उसकी 20 m/s है। तो जब वाटर की स्पीड 20 m/s है तो जो मॉडल के ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का वो इतना है, 2 N है। ठीक है, अच्छा ड्रैग की बात की जा रही है, ड्रैग ऑन द मॉडल इज 2 N। फाइंड द स्पीड एंड द फोर्स ऑन द प्रोटोटाइप, तो कह रहे हैं जो एक्चुअल केस होगा जो कि 10 गुना बड़ा है मॉडल से, उसकी स्पीड क्या होगी, वहां पे स्पीड क्या होगी,
और वहाँ पे ड्रैग फोर्स क्या होगा। ये भी कहते हैं कि ये कैलकुलेट करने के लिए विस्कस इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो सवाल है, विस्कस इफेक्ट छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या? किस किस फोर्स की फिर ये बात कर रहे हैं, कौन से ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं? ड्रैग का मतलब देखिए फ्रिक्शन फोर्स होता है। ड्रैग का मतलब है जो फ्लो सॉरी मोशन में गतिरोध पैदा करे, उस फोर्स की बात है। तो जनरली ये और कोई फोर्स नहीं है अगर फ्रिक्शन का, तो देखिए फ्रिक्शन का फोर्स मोटे तौर पे जब हम कहेंगे तो जो विस्कस फ्लूइड होता है तो हम उसको विस्कोसिटी की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है हम उसी को समझते हैं। लेकिन ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में फर्क है। जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वो विस्कस फ्रिक्शन की ही बात करते हैं, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है और मान लीजिए वाटर है और उसमें बॉडी मूव करेगी तो विस्कोसिटी के इफेक्ट के कारण उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा ही होगा, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि विस्कोसिटी जीरो है यानी नॉन विस्कस फ्लूइड है जैसे एयर है और उसमें मूव कर रहे वही बॉडी, तो फ्रिक्शन का फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होगा। अगर हम एयर की विस्कोसिटी जीरो ले लें तो यहाँ कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा, सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम और कारण भी होते हैं जो मोशन का विरोध करते हैं, जिनके कारण मोशन में रुकावट पैदा होती है, वो फ्रिक्शन का फ्री फोर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली हमारे दिमाग में ये है कि जो भी मोशन का विरोध करेगा वो फ्रिक्शन है। तो ऐसे में ये जो सवाल है, जब इसमें कह दिया कि विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं करना, तो सवाल यह है कि फिर क्या कंसीडर करें, कौन सा ड्रैग की ये बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर जो ड्रैग है वो जो ड्रैग है वो अदर देन विस्कस फोर्स है, अदर देन विस्कस फोर्स है। अब हम बता दें इसमें कि ये ड्रैग किस तरह से क्रिएट होगा, क्या है। देखिए जो ये केस हमने लिया है हाइड्रोफॉयल का, ये एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सिप है, या सिप की यहाँ बात नहीं की गई है लेकिन केस वैसे ही है कि मान लीजिए ये सिप है, इस तरीके से सिप एक मॉडल एज्यूम कर लीजिए, ये कोई सिप है, तो ये कैसा मान लीजिए सिप है इस तरीके से, तो सिप में ऐसे नीचे फॉयल लगी होती है ना, फॉयल लगी होती है और इन फॉयल पर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है उसकी बात की जा रही है। देखिए एक तो यह है कि अगर वाटर होगा और ये जब सिप मूव करेगा तो इसके ऊपर विस्कोसिटी के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो तो है। इसके अलावा जो सिप के केस में और फोर्स लगता है इसके ऊपर वो ये जो इसके जो वेव्स हैं, जो पानी की लहरें हैं, ये भी इस पे थपेड़े मारेंगी, है ना। तो जो एक बड़ा मास वाटर का पानी का सिप से टकराएगा तो इसके कारण जो ड्रैग क्रिएट होता है उसको कहते हैं वेव ड्रैग, वेव ड्रैग। और एक जो विस्कोसिटी के कारण ड्रैग क्रिएट है उसे विस्कस ड्रैग कहेंगे।
तो जो वेव वेव ड्रैग है वो अगर पानी ठहरा हुआ है तो कोई इस तरह का ड्रैग नहीं लगेगा इसके ऊपर, विस्कोसिटी का ही ड्रैग लगेगा। लेकिन वाटर भी मूव कर सकता है दूसरी दिशा में, जिधर सिप चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये जो इसके ऊपर जो फ्लूइड टकराएगा जो इससे, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जो ड्रैग क्रिएट होगा एक्चुअली कहना चाहिए, उसकी बात की जा रही है यहां पर। कह दिया विस्कस इफेक्ट नहीं देखना है, तो उस ड्रैग को पता करना है। ये वेव ड्रैग है, वेव ड्रैग, वेव ड्रैग, वेव जनरेटेड ड्रैग, वेव जेनरेटेड ड्रैग, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें फिर हम क्या करें, जब इन्होंने विस्कोसिटी की बात कह दिया नहीं करना है, तो फिर हम रेनॉल्ड नंबर को सेम नहीं ले सकते। तो कौन सा नंबर यहाँ पे लेना चाहिए हमको? यहाँ जो फ्लो है ये ओपन चैनल फ्लो है, विस्तार अनंत है। तो यहां पे हम जो इफेक्ट, अच्छा वेव जनरेटेड जो ड्रैग होगा वेव की वजह से जनरेटेड होगा, वो एक्चुअली क्यों होता है, क्यों होता है वो इस वजह से होता है कि कोई ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना। वेव जो है वो पानी की जो वेव्स हैं वो क्या है, एक्चुअली पानी है बहुत सारा जो आके इससे टकरा रहा है, पानी यानी मास। मास जब इससे टकराएगा तो फोर्स कैसे आएगा, वेट से आएगा, उसके वेट कैसे बनेगा, ग्रेविटी के इफेक्ट से। ग्रेविटी नहीं होगी और यही फ्लूड टकराए तो टकराता रहे, इससे कोई ड्रैग नहीं लगेगा। तो ये एक्चुअली ग्रेविटी का इफेक्ट है। तो यहां पर हम फ्राउड नंबर को कंसिडर करेंगे। फ्राउड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स, और ये हमने देखा था। हियर वी टेक फ्राउड नंबर फॉर मॉडल इक्वल टू फ्राउड नंबर फॉर प्रोटोटाइप। तो मॉडल के लिए फ्राउड, और फ्राउड नंबर क्या होता है, फ्राउड नंबर होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ग्रेविटी इनटू करैक्टरिस्टिक लेंथ। तो मॉडल के लिए ये है, ले लीजिए। ऐसे ही प्रोटोटाइप में हो जाएगा एल पी, तो जी तो कैंसिल ही होना है, और दिया हुआ है लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और मॉडल की स्पीड दी हुई है। तो प्रोटोटाइप की स्पीड क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल बॉडी है वो मॉडल से 10 गुनी बड़ी है ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10, है ना। आप इसको चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, और ये है 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 20 रूट 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड और प्रोटोटाइप, एक्चुअल केस में जो स्पीड होगी वो ये होगी। अब कहते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होगा। मॉडल पर जो ड्रैग है वो 2 न्यूटन का है इस वेलोसिटी के लिए, जब 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। तो एक्चुअल बॉडी
पर ड्रैग फोर्स क्या होगा? तो हेयर वी कंसीडर ड्रैग कोफिशिएंट सेम करेंगे. कंसीडर ड्रैग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ड्रैग, ड्रैग कोफिशिएंट फॉर मॉडल इज इक्वल टू ड्रैग कोफिशिएंट फॉर प्रोटोटाइप. तो वह भी बताया आपको क्या होता है. तो ड्रैग कोफिशिएंट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 1/2 डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर एंड एरिया. एरिया नहीं दिया तो लेंथ, लेंथ स्क्वायर. और ऐसे ही यहां पे हो जाएगा. ठीक. अब दोनों ही जो बॉडी है मॉडल और प्रोटोटाइप वाटर में टेस्ट किया जाएगा. तो डेंसिटी दोनों जगह सेम होगी, वाटर ही है दोनों जगह, ये कैंसिल हो जाएगा. और ये हमें निकालना है ड्रैग फोर्स ऑन प्रोटोटाइप इज ड्रैग फोर्स ऑन मॉडल इनटू वी पी स्क्वायर वी एम स्क्वायर एल पी बाई एल एम स्क्वायर. तो ये दिया हुआ है 2 न्यूटन. वेलोसिटी अभी हमने देखी, और नहीं तो ये हमें चाहिए एक्चुअली. और ये यहां से आप देख सकते हैं Vp by Vm is Lp by Lm, है ना. तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Lp by Lm. तो एक्चुअली दिस इज 2 times Lp by Lm क्यूब. ये दिया हुआ है कि इसकी लेंथ इससे 10 गुनी है, तो 10 हो जाएगा. 10 into 10^3 is 1000, is 2000. So this is 2000 newton. इतना ड्रैग देखिए एक्चुअल केस में होगा. मॉडल पर 2 न्यूटन का लग रहा है और एक्चुअल बॉडी पर ये प्रिडिक्ट होता है. इस सबको अगर सही माने जो एनालिसिस हम कर रहे हैं डायनेमिकल सिमिलरिटी से, ये मिलेगा हमें. तो ये सवाल थे, और भी सवाल हैं करने के लिए, लेकिन फिलहाल आप ये करिए. और बाकी अगर कुछ देखना भी होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.